तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूले की। फाइनेंशियल फॉर्मूले में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि सब कुछ समझ जाते हैं। तो चलिए हम उस फॉर्मूले को देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल है हमारे पास, एक मेरे वीवी है, कोड गड़बड़ हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास है 50,000, रेट हमारा है मान लीजिए 10%, और टाइम है 3 सालों। तो मुझे यहां पे ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो कितना परसेंट ईएमआई हुआ, क्या करनी है, ईएमआई कैलकुलेट करनी। तो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पीएमटी, पीएमटी जिसमें सबसे पहले रेट देना होता है, पर रेट ईयरली नहीं देंगे क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि हमारे जो जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में कब ऐड होता है, किस पीरियड में, जैसे मंथली कैलकुलेशन है, ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या। तो यहाँ मेरा क्या है, ईयरली। तो यहां हम इसको डिवाइड बाय करेंगे 12, फिर आता है एनपीआर, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, फिर यहाँ पीवी जो है हमारा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है 50,000 है, 50,000 को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। देखिए 1,613 रुपए की ईएमआई बनेगी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइनेंशियल फॉर्मूला लगाते हैं तो उसकी जो रिजल्ट है वो हमेशा किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। आपको पॉजिटिव में करना है तो क्या करेंगे इसके लिए सर, माइनस माइनस लगा सकते हैं सीधे फॉर्मूला माइनस लगा दीजिए, में। या फिर इस फॉर्मूले को एबीएस में रख दीजिए। किसमें, एबीएस। अच्छा अब कुछ लोग कहते हैं सर ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है, हमने बैंक अपनी बैंक की कैलकुलेशन देखी तो बैंक की कैलकुलेशन के कैलकुलेशन में तो बहुत फर्क है। तो हमने पूछा कि बैंक की दो कैलकुलेशन होती है, एक फ्लैट, जैसे वो हाँ बोलेंगे मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, मैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या करेगा कि वो आपका 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 ये इंटरेस्ट निकल गया, हाँ और इस इंटरेस्ट को इसने ऐड कर दिया आपने प्रिंसिपल के साथ, 65,000 हो गया। अब इस 65,000 को डिवाइड कर देगा 36, 3 साल का है, 36 महीने से, तो 1,805 रुपये की आई। अब बोलेंगे ये क्या हुआ, आपने इंटरेस्ट लगाया कंपाउंड नो सिंपल इंटरेस्ट लगाया और रिजल्ट जो है हमारा ज्यादा जग जा लग रहा है, क्यों। अब इस चीज को समझिए, तो इसने क्या किया कि 15,000 रुपये की इंटरेस्ट ले ली, मतलब जो पैसा आप लास्ट बार जो पे कर रहे हो, लास्ट ईएमआई जो पे कर रहे हो उस पे भी आपको पूरा 50,000 का इंटरेस्ट ले रहा है आपसे। लेकिन इसी चीज को अगर हम इसमें देते हैं, कैलकुलेशन में करते हैं, तो यहां देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा। 50,000 का लोन था आपका, आपका 10% ईयरली है, इस 10% को डिवाइड करेगा 12 से और मंथली निकालेगा, मतलब कि पहले महीने का इंटरेस्ट होगा 416 रुपए, और जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा 450,416 रुपए। फिर आपने 1,613 रुपए जमा कर दी, ठीक है। तो अगला बार अगले महीने का जो इंटरेस्ट होगा ये 50,000 माइनस 1,613 होगा, मतलब कि प्रिंसिपल घट गया। हाँ ऐसे आपका प्रिंसिपल घटते चला जाएगा जिस कारण से आपका इंटरेस्ट कम लगेगा, ठीक है। देखिए तो लास्ट महीने में देखिए 1,628 था, 1,613 था, पूरा 28 क्यों हुआ, क्योंकि आपने आप बैंक में देखेंगे कि आपका लास्ट ईएमआई का कम होता है, इसलिए कि यहाँ पे देखिए 613.360 है, इसलिए कुछ पैसे का फर्क या कुछ रुपए का फर्क आपको आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए कि इसका इंटरेस्ट जो हुआ कितना इंटरेस्ट हुआ, इसका इंटरेस्ट टोटल जो है आपका हुआ 8,083 रुपए समथिंग, लेकिन ऐसे 15,000 हो रहा है क्या, मतलब कि 45% के आसपास इंटरेस्ट आपको ज्यादा लग रहा है अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देते हैं।
तो अब क्या हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज के नाम बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, हम आपसे फ्लैट सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं, साधारण ब्याज ले रहे हैं। और हुआ क्या, नुकसान। साधारण ब्याज में आपका क्या हुआ, जी नुकसान। समझे, आज तक जितने प्राइवेट फाइनेंस है वो सिर्फ ऐसे ही करते हैं कि आपकी जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को एक ही बार आपसे चार्ज कर देते हैं। और आप ये भी बता देंगे यार, आप बैंक आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, मैं आपसे जो है नॉर्मल ब्याज देता हूँ। लेकिन बैंक जब चक्रवृद्धि ब्याज देती है, स्टेट बैंक हो गया, बाकी जो बैंक ब्याज देती है, तो जैसे जैसे वो ब्याज के साथ प्रिंसिपल, जैसे 1600 में ब्याज 416 है और 1100 रुपए के आसपास प्रिंसिपल है, तो अगले महीने उसका प्रिंसिपल कम जा रहा है ना। जैसे जैसे आप पैसा जमा कर रहे हो, मतलब कि जो पैसा आपके पास होल्ड हुआ है उसी का इंटरेस्ट ले रहा है, जो आप दे चुके उसका इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, मतलब आपने अगर मान लीजिए 36 महीने का है, तो आपने जो पहला महीना पे किया, पहला जो ईएमआई पे किया 1800 रुपया, उसमें पूरे 36 महीने का ब्याज इंक्लूड होगा। ठीक है ना, तो जी। दे चुके हैं उसका भी ब्याज दे रहा। तो ईएमआई कैलकुलेशन समझ में आ गई जी जी। अब मान लीजिए मैं ईएमआई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रेकरिंग डिपॉजिट की। क्या बात कर रहा हूँ, रेकरिंग डिपॉजिट, जो आरडी होता है ना। जी मतलब मुझे फ्यूचर में चाहिए 50,000 रुपये, ठीक है, और बैंक मुझे इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% का दे रही है, और मैं टाइम जो है 6 साल, तो कितना रुपए की ईएमआई में पे करूं ताकि 50,000 रुपये मेरा हो जाए 6 सालों में, या 3 साल मान लीजिए, 3 साल। तो यहां भी हम लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला। किसका, पीएमटी, पीएमटी रेट, रेट लिया इसको डिवाइड कर दिया 12 से, टाइम लिया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, और पीवी नहीं हमारा एफवी है, क्योंकि 50,000 तो मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं ना। एंटरप्राइज किए तो आप देखिए -1290 आ। अब इस 1290 को इस तरह की इस कैलकुलेशन चार्ट पे डालेंगे, देखेंगे कि आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे जैसे हम अमाउंट जमा करेंगे, ऐसे इसकी ईएमआई बढ़ती जाएगी। ओके जी, जी क्लियर है जी जी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर जो मेरा आता है वो आता है कि मुझे, मेरे पास ईएमआई है, मेरे पास ईएमआई है, मैं 2,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ। इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 5% का ही है, और टाइम जो मेरा है वो है 3 सालों का, तो अमाउंट कितना आएगा। तो हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला एफवी, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हम रेट लेंगे, इस रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, हम टाइम लेंगे, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और पीएमटी हमारा 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये 5% से 3 साल जमा करते हैं, तो 77,000 समथिंग हमारे पास आएगा। समझे, जी। अब यहां पे बात होती है कि चलिए मैं पैसा जो है एक बार जमा, क्या करना चाहता हूं, पैसा एक बार जमा करना चाहता हूं। तो अगर मैं पैसा एक बार जमा करूं तो कितना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे मान लीजिए कि इस बार प्रिंसिपल जो है मैं यहाँ पे 20,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ। तो अब जब एफडी करते हैं ना, तो एफडी में जब सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें आपका पैसा कम आता है, ठीक है ना, लोन में नहीं। वैसे मुझे 20,000 की एफडी करनी है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी लगाए निकालेंगे, फॉर्मूला किसका, पीवी का, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। और इसको हम सिलेक्ट करेंगे,
सॉरी इसको नहीं यार, रेट रेट डिवाइड बाय 12 टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ हमारा पीएमटी नहीं है, हमारा पीएफबी आ गया, 23,000 आ गया। तो 23,000 रुपये जो हुआ वो आपका कंपाउंड हुआ, एक बार आपने जमा कर दिया 3 साल, तो 3,000 इंटरेस्ट में। लेकिन इसी का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, तीन हजार हुआ मतलब 200 कम, ठीक है। एक बार एक बार फार्मूला दिखाओ फार्मूला सर, दिखाओ सर, ई एटीन ई सेल एटीन दिखाओ सेल दोबारा दिखाओ से। दोबारा। 12 ठीक है, ये हो गया रेट। रेट को हमने लिया ईयरली, यहाँ पे अगर मंथ भी होता तो डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं, कि टाइम अगर मंथ में होगा तो मल्टीप्लाई 12 करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर पीएमटी मतलब कि ईएमआई हुआ तो पीएमटी में डालेंगे, लेकिन ईएमआई नहीं है पीबी है तो यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे और वाले दूसरे में वाले में पीवी पे पीवी जाएगा, पे है ना? जाएगा, दूसरा पीवी पे जाएगा, ठीक अच्छा, है, पीएमटी पे, सॉरी। ठीक, समझ गया। अब मान लीजिए कि मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं, और मेरे पास यहाँ फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू में मेरा पास मुझे 5 लाख रुपए चाहिए रिटायरमेंट। बैंक बोल रही है कि हम 7% आपको देंगे और टाइम रिटायर होने में 10 साल, तो आफ्टर ठीक टेन है। ईयर कितना हो जाए, कितना पैसा मैं अभी जमा करूं ताकि फ्यूचर में मुझे 5 लाख मिले 7% और 10 साल के गैप में, ठीक है। जी, तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मा लगाएंगे पीवी पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो रेट लेंगे इसको डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम लेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और यहाँ पीएमटी नहीं पीवी है ये आ गया। तो 2,48,000 जमा करूंगा तब जाके 5,000 आएगा 10 साल, 5 लाख सॉरी, ठीक जी है जी जी, क्लियर है, क्लियर जी क्लियर है जी। है। अब यहां पे अगला क्वेश्चन ये हो गई, अब अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, रेट निकालना है। मान लीजिए कि मेरे पास रेट निकालना है, तो आप रेट का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो रेट निकल जाएगा। रेट में टाइम, तो टाइम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 में, फिर पीएमटी नहीं है पीवी है, तो पीवी हमारा ए रहा और एफ भी हमारा ए रहा। याद रखिएगा जब भी रेट का और टाइम का फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, तो एक रिजल्ट एक जो है माइनस में होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ठीक अब है। ए आया मंथली, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूंगा तो आ जाएगा 0.07, मतलब कि 7%। अब बोलेंगे सर 1% है, मल्टीप्लाई 12 हुआ तो 12 आना चाहिए ना, ये राउंड फिगर में वो 1% लग रहा है, आप करेंगे तो ये देखिए, ठीक है ना। जी, और इसी तरह से मुझे एनपीआर, एनपीआर जो होता है टाइम के लिए होता है, कि मेरा रेट जो है इसको हमने डिवाइड कर दिया 12, मेरा जो पीएमटी नहीं है मेरे पास पीवी है, पीवी ए रहा और एफ भी हमारा ए रहा और एक माइनस में हो, तो ये आ गया महीना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से तो आ जाएगा टा। लेकिन कब क्या हो, जब सेटलमेंट करना, जैसे मैंने 50,000 रुपये 10% से 3 सालों के लिए लिया, जी अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अपना लोन का सेटलमेंट। अच्छा, तो सेटलमेंट में मैं 36 महीने का लोन था, मैं 15 महीने तक पैसा जमा किया, 16वें महीने में जा रहा, तो मैं बोलूंगा कि भाई 1,613 रुपये 36 पैसे की भुगतान मैंने आपके साथ किया, मतलब कि आपको मैं पंद्रह दे चुका हूं चौबीस सोलह हजार सौ और बाकी जो बचता है 26,000 ले लो, लोन खत्म करो, क्या सही हो भाई, ना क्यों इंटरेस्ट कौन इंटरेस्ट कौन देगा देगा, रिमेनिंग? नहीं
इसमें आप उस कस्टमर समझाया कि सर आपने 24,200 दिया, उसमें आपका प्रिंसिपल 24,200 नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कि आपने 15 महीना तक दिया, तो 15 महीने तक जो है आपने, यहाँ देखिए, फाइव जी वन सिक्स वन इंटरेस्ट दिया है, तो 24,200 में से 5,161 जो है वो कट जाए, बाकी बचा मेरा जो प्रिंसिपल है प्लस जो सेटलमेंट चार्ज है वो आपको मैं दे दू, आपको मैं दे दूंगा, आप मुझे लोन क्लोज हो जाएगी, आप मुझे देखिए लोन क्लोज कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता जी है कि ये निकलेगा कैसे, ये चीज निकलेगा कैसे, तो इसके लिए दो फॉर्मूला है। वैसे यहाँ पे हमारा मंथ हो जाएगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से महीना होगा, और यहाँ पे आता है जी इंटरेस्ट, यहाँ पे आता है प्रिंसिपल। तो IPMT का फॉर्मूला होगा जो कि इंटरेस्ट निकाले, तो रेट रेट को डिवाइड किया 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई, टाइम याद है मंथ कौन सा है, और फिर टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और PV आपका 50,000, तो 416 रुपये आपका EMI था, मतलब इंटरेस्ट था EMI में, पहली EMI। बिल्कुल, इंटरेस्ट फिर यहाँ पे PMT लगाएंगे, PPMT सेम यहाँ पे लगाने का तरीका सेम है कि रेट मंथली रेट मंथ इस मंथ का निकालना है प्रिंसिपल, और टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, तो फिर यहाँ पे आपका पीवी ये आ गया 1,116 रुपये आपका ये था। तो इसी तरह से नीचे ड्रैग करना, तो आपको क्या करना होगा, एक एक करके सबके फॉर्मूला लगाना होगा, जैसे कि यहाँ लगा, ठीक है ना। तो ये तो सरदर्दी होगी ना, मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो मैं यहाँ पे टोटल मंथ लिखूं, क्या लिखूं, मैं लिखूं मंथ, यहाँ मंथ लिखा कि भाई मंथ 4, तो 4 महीने का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट दे दे प्रिंसिपल को। तो इसके लिए हमें एरे फॉर्मूला बनाना, यहाँ पे एरे का रोल आता, तो यहाँ पे जी सम सम के अंदर देंगे IPMT, और इसके अंदर हम देंगे रेट। अब जो टाइम है यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, फिर कॉमा टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पीवी हमारा यहाँ, अब देखिए रिजल्ट आ गया, 1,604 रुपये इंटरेस्ट हुआ। आप यहाँ 4 महीने का इंटरेस्ट जोड़ भी सकते हैं, ये देखिए 1,606 रुपये 49 पैसे है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है, कोई फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, इसके लिए जाइए आप एवलेट फॉर्मूला। एवलेट फॉर्मूला में यहाँ जो है देखिए क्या होता है, टाइम निकाला, फिर ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट में 1 से 4 दिया, तो ये क्या करेगा, PMT को 4 बार मतलब कि लूप कर देगा, 4 बार लूप लगा देगा, और चारों का अलग अलग जो कैलकुलेशन है रिजल्ट देगा, फिर सम उसको सम देगा। अच्छा पर क्वेश्चन है कि मैं तो इससे लिंक करना चाहता हूँ, इस तरह मेरा 15 है, तो क्या मुझे यहाँ एक एक करके 15 तक काउंट लिखना पड़ेगा, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें सीक्वेंस का फॉर्मूला काम आया, ठीक है ना। अच्छा सीक्वेंस का फॉर्मूला मैंने लिया, हमने बोला कि रो नंबर तो 1 है, कॉलम नंबर हमारा 15 है, और 1 से स्टार्ट करना है, और एक एक का गैप रखना है। अब देखिए आ गया 5,161, तो कैसे हुआ, तो सीक्वेंस फॉर्मूले ने क्या हुआ कि इसने जो है 1 से लेकर 15 तक का काउंट दे दिया, दिख गया ना, 1, 2, 3, 4, 5 जो कि जनरली हमने ऐसे लिखा था, जी समझे। जी क्लियर सर, हाँ, PMT का मेरे नाम है कंप्यूटर में तो एरे सीक्वेंस वाला सीक्वेंसल फार्मूला चल फार्मूले चलिंदा सिलिंडर, क्या मेरे कंप्यूटर मेरे में तो कंप्यूटर में तो सीक्वेंस फार्मूला सीक्वेंस नहीं चल फॉर्मूला रहा। नहीं चल रहा, क्योंकि सीक्वेंस फॉर्मूला लेटेस्ट है, आप बोले कि सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं है, तो सीक्वेंस फॉर्मूले की जगह पे हमें लेना होगा रो का फॉर्म, किसका रो अच्छा रो,
तो रो फॉर्मूले के अंदर एक से लेके यहां पे आप 15 कर दीजिए, अच्छा, ठीक ऐसे है? रेंज में ऐसे भी रेंज में डाल डाल सकते हैं। सकते ठीक हैं, है। ठीक है? पर रो, पर एक यहां पे एक दिक्कत है, ये तो 15 मैनुअल हो गया ना, अब कल के 20 करूंगा तो मुझे जाके रो में 20 करने पड़ेंगे। काम तो वही कर रहा है जो सीक्वेंस कर रहा है, देख सकते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो यहां क्या होगा कि यहां हम इसको करेंगे कॉनकेट, 15 15 को जो है कॉनकेट करेंगे इससे। क्या लग रहा है, वर्क करेगा? आप करेगा वर्क करेगा कि नहीं सर? ना। क्यों? रीजन? ना, वो हाँ, वो कॉन्केट और कॉन्केट टेक्स्ट और है ना टेक्स्ट वो। है। जी हाँ, क्योंकि रो को चाहिए रेफरेंस और इनडायरेक्ट इसने दिया, रो ने दिया टेक्स्ट, तो इनडायरेक्ट नाम का एक फॉर्मूला होता है उस पे यूज करेंगे, अच्छा, इनडायरेक्ट। ठीक है, ठीक है? या सीधे या सीधे वन वन लिखने से वन नहीं लिखने चलेगा से क्या? क्या? क्या वन लिखने वन से क्यों नहीं लिखने से चलेगा? क्यों सीधा चलेगा? सीधा सीधे एक ही नहीं लिख दिया लिख जाए। दिया जाए। यहाँ देखे जाते हैं, यहाँ पे कि एक से लेके 15 तक ज्वाइन हुआ, देखिए यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहा है सर? जी। एक से 15 रेफरेंस स्टाइल में बना, फिर इनडायरेक्ट इसको रेफरेंस में कन्वर्ट किया। जब रो को रेफरेंस से मिला तो रो ने क्या किया, एक से लेकर 15 तक नंबर दे दिया, जो कि कर्ली ब्रैकेट में मुझे लिख रहा था। जी और फिर यहाँ पे लूप ने जितना कर्ली ब्रैकेट था उतना लूप ने पीएमटी को, आईपीएमटी को चला दिया, और फिर शाम को जी इतने सारे रिजल्ट मिल गए, सब ने इसको सम कर दिया। समझ गए? ठीक है। चलिए, तो ये हो गए पर अगर मैं यहाँ पे। एक अगर लिखूं एक तो? तो यहाँ पे एक तो एक रहेगा आपका, नहीं, नहीं मेरा बोलने का मेरा मतलब है, जो जो फार्मूला लगाया ना फार्मूला लगाया यहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ रो हाँ, में यहाँ वन लिखना चाहते हो आप, मैं सीधे? सीधे हाँ, तो इसे एक सेमी से कॉलन चाहिए ना मैक्सिमम फिर कर दिया जाए। आपको? सेमी कॉलन कैसे लिखोगे? एक सेमी एक कॉलन नहीं सेमी लिख कॉलन नहीं सकता लिख सीधे? ना, सकते, नहीं नहीं तो चलेगा। 15 हो जाएगा। अगर सेमी कॉलन नहीं रहेगा तो 15 18 जुड़ेगा तो 118 नहीं अठारह नहीं हो जाएगा ना, एक देन एक सेमी देन कोलन, सेमी कॉलन क्या? एक देन एक देन सेमी कोलन सेमी कॉलन इसको, उसको, यानी कि यानी कि जो तो फिर कॉनकेट करना वो, पड़ेगा, डबल डबल कॉनकेट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा। नहीं, नहीं, एक फिर एक सम फिर सेमी सम कोलन। सेमी कॉलन यहाँ पे बोले ना, ऐसे नहीं बोल रहे आप? हाँ नहीं, हाँ उसको नहीं, हटा दो उसको ना, हटा वो दो जो ना, वो जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, इन्वर्टेड कॉमा से इन्वर्टेड हटा कॉमा दो। से हटा। नहीं, नहीं होगा ना, टेक्स्ट है ना ये, क्या है? टेक्स्ट है। अगर ये अच्छा, होगा तो इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, अगर ये एक बार करेंगे तो एरर आ जाएगा, फिर मेन का एरर आ जाएगा। मैं नंबर भी लिख नंबर सकता हूँ ना, भी इनडायरेक्ट बदले में इंटर नंबर देख, डाल दूँ इस तरह तो? से बोल रहे हैं आप, इस तरह से बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी 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 जी, तो नहीं होगा, एरर आएगा, क्योंकि ये 1 डैश जो है दिक्कत हो जाएगी ना यहाँ पे, ये टेक्स्ट है ना, इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए ना सर? नहीं, अगर मैं नहीं, अगर नंबर मैं डाल नंबर दूं डाल दूं इनडायरेक्ट के इनडायरेक्ट बदले के में, तब भी बदले में तो चलेगा ना? चलेगा सर। इनडायरेक्ट क्यों लगाया? क्योंकि हम इसके साथ कॉन्केट कर रहे हैं ना, रेंज हमें नहीं पूरा। अगर इनडायरेक्ट आप नहीं लगाते हैं तो आपको इकट्ठा यहाँ लिखना होगा इस तरह से कि 1 सेमी कॉलन 18, इस तरह से लिखना होगा। बट 18 हमारा नहीं, फिक्स नहीं है, यहाँ देखिए इसमें मुझे इस तरह, इसमें इसमें मैक्सिमम लगा मैक्सिमम सकते लगा हैं ना, सकते हैं। नहीं, मैक्सिमम ही नहीं चलेगा। मैक्स। नहीं, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे एरे को फाइनली क्या चाहिए, इस तरह से चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जी 18 तक चाहिए, समझ गए? जी अब इसको जी जी आप मैनुअल लिख दें या कोई ऐसा फॉर्मूला लगाए जिसका फाइनल रिजल्ट इस तरह से आता हो। अच्छा अच्छा, समझ गए? तो ठीक इसमें है दो जी। ही है, या सीक्वेंस फॉर्मूला लगाइए, अगर सीक्वेंस नहीं है तो रो लगाइए। अच्छा, अच्छा समझ गए? जी, अब सीक्वेंस के अंदर तो हम इनपुट दे दे सकते हैं, लेकिन रो रो के अंदर क्या है कि हम किसी सेल रेफरेंस को, नंबर को इस तरह से नहीं ले सकते, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्केट करके एक पाथ बनाया, 1 से 15, 1 से 18, 1 से 20, और इनडायरेक्ट उसको पाथ में कन्वर्ट करके रो को दे दिया। फिर रो क्या किया, वो कर्ली ब्रैकेट में टूट के उतना नंबर दे दिया। अच्छा, अच्छा ठीक है, जी। चलिए इसकी कीजिए प्रैक्टिस। कल हम बात करेंगे डिफाइन नेम के अंदर, फॉर्मूला सिंपलाइजेशन विथ नेम। जी। चलिए।
ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। सर, अच्छा थैंक यू। इसका अच्छा शेयर इसका कर देना शेयर सर कर वीडियो देना ना। वीडियो ना। हाँ अभी 10 भेज दे रहा हूँ।